अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। संसद के अंदर जब भी सत्र चलता है तो कांग्रेस के नेता गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर रखते हैं। देखिए नाथूराम गोडसे को लेकर किस तरीके से कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिए ये धमाकेदार सवाल। FIR लॉन्च कर दिया, इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं, फिर ईडी आ गया, फिर ईडी उसके पास चले जाता, फिर ईडी उसको कहता है कि दीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आप मुझे बताइए आप अपने कैसे आपका पैसे पास पैसा आया। CBI कुछ नहीं करती और उसका सारा धंधा खत्म हो जाता है। ये बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, सोशलिस्ट के साथ हो रहा है, सोशल वर्कर्स के साथ हो रहा है। अब ऐसा ही इस कानून में होगा क्योंकि यू विल से दैट ही हैज प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। आपने उसको नोटिफिकेशन कर दिया, उसके बैंक में चले गए, अकाउंट फ्रीज कर दिया और कहा दीज आर प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। उसका नतीजा क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए आपने ये प्रावधान लाया क्यों, किस लिए, किस स्टेज पे आप तय करेंगे कि वो टेररिस्ट है? अगर हाफिज सईद है तो टेररिस्ट है, अगर गोडसे है तो टेररिस्ट है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कहने की। 2047 से आज तक आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की गोडसे टेररिस्ट था। 1947 आपके पास ये हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री जी आप उठ के कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है, किस नजर से आप किसको देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं वो टेररिस्ट हो जाता है। और बड़ी दुख की बात है कि आज आप लोगों ने उन लोगों को कानून जेल में रखा हुआ है जो एकेडेमिक्स हैं, जो UN से फंडिंग लेते हैं, सिविल एक्टिविस्ट है। जो सिविल एक्टिविस्ट हैं उनको कल आप नोटिफिकेशन से टेररिस्ट कहला दोगे? और इस कानून में कोई ऐसी इस हमारा केवल इतना ही विरोध है। आप बताइए किस आधार पे उसको आप टेररिस्ट कहोगे? आपकी मंशा होगी तो कह दोगे, नहीं मंशा होगी तो नहीं कहोगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कानून में धारा 153A एंड 153 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लिखित है। जो कम्युनल एक्टिविटी करता है अंडर UAPA ही कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी अ टेररिस्ट। अब 2014 के बाद किन किन लोगों ने इस देश में 153A और 153B का उल्लंघन किया है कि आपने कभी सोचा कि उनको टेररिस्ट कहलाया जाए? करेक्ट। आप कभी सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज आपका नजरिया दूसरा है। करेक्ट। आप केवल उन लोगों को टेररिस्ट दिखाएंगे जो आपके खिलाफ बोलेगा। ये अब JNU में कुछ हो गया, कुछ युवाओं ने कुछ कर दिया, उनको आप टेररिस्ट दिखा देंगे। कहीं और यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया, किसी दलित ने कुछ कर दिया, उस टेररिस्ट दिखाएंगे। कोरेगांव में कुछ हो गया तो उन लोगों को आप टेररिस्ट कहलाएंगे, और वो बेचारा करेगा क्या? तो पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए किस आधार पे आप कहोगे कि ये शख्स टेररिस्ट है और ये शख्स टेररिस्ट नहीं है। आपको यहाँ बताना पड़ेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, दो चार बातें आपके सामने कह रखूँगा कि एक बात का हम आपको दाद देते हैं कि जहां तक आपकी बात है, यू गेट वॉट यू सी एंड यू सी वॉट यू गेट। लेकिन हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि फ्रॉम हियर दिस साइड ऑल्सो यू विल गेट वॉट यू सी। हम जब जब आप ऐसे कानून इस तरह के प्रावधान लाएंगे, क्योंकि आपका नजरिया कुछ और है, हम यहां खड़े होकर विरोध करेंगे टिल आर लास्ट ब्रेथ। आप हमारे पीछे CBI लगा दो, आप हमारे पीछे ED लगा दो, आप हमें जेल में भेज दो, आप इनकम टैक्स लगा दो, लेकिन यहां हम खड़े रहेंगे और हम आपका विरोध करेंगे। हमने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह से आप लोगों के पीछे दुरुपयोग कर रहे हो कानूनों का, चाहे वो PMLA हो, चाहे ये कानून हो, चाहे कोई और कानून। मतलब कि ऐसा लग रहा है हम इस देश में कि एक चेहरा, एक बिजनेसमैन, सब कुछ केवल एक आदमी के नाम पे, कोई दूसरा तो हमें दिखता ही नहीं है।
तो मैं आपसे आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी कि आप केवल न सोचिए कि हम यहाँ चुप रहेंगे, आपके पास मेजॉरिटी है वहाँ भी है और यहाँ भी, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए तो मेजॉरिटी नहीं रहती। हाँ, वो भी हम जानते हैं, लेकिन लेकिन देखिए जो आतंक के शिकार रहे हैं वो कौन रहे हैं, हम लोग। हमारे दो दो प्रधानमंत्री चले गए आतंक के वजह से, हमें वो पीड़ा। हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आतंकवाद की वजह से चले गए, दुख है तो हमें है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमें कोई ऐसा कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी हमें मालूम है। और यहां सदन में बैठ के हम कानून तो पास कर सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर जमीन पे क्या हो रहा है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, ये नहीं मालूम आपको? उन लोगों की पीड़ा सोचिए जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है, एक फैमिली मार दी, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। सिबल जी, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन वन मिनट। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो गुजरात में हो रहा था, जो महाराष्ट्र में हो रहा था, जब 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 1985 में जो कानून बना था ना टाडा का, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तार कहां हुए थे लोग? गुजरात में। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी गुजरात में थी, आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी महाराष्ट्र में थी। क्यों? वहां तो आतंक नहीं था, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा था। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज़ टाइम्स 24 को।